हेलो फ्रेंड्स, मैं कनिका आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मेरे ब्लॉग पानी बानी सन्नाल ब्लॉग में। और मैं आज आपके लिए किचन टिप्स लेके आई हूँ। छोटा सा है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आई होप। देखिए, जैसे कि हम धनिया लेके आते हैं मार्केट से, धनिया और हरी मिर्ची लेके आते हैं ना, तो वो हमारी जल्दी खराब हो जाती है ना। मैं आज आपको उनको स्टोर करने का एक तरीका बताऊंगी। तो देखिए, जैसे हम हरी धनिया लेके आते हैं तो हरे धनिया को साफ करके एक देखो ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे में रख दीजिए। ये देखिए मैंने रखा हुआ है, देखिए। और कितना सा सही है, देखो ये धनिया अभी थोड़ा मेरा पुराना है, लेकिन फिर भी देखो कितना फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है ना ये धनिया। अगर हम ऐसे ही प्लास्टिक के डिब्बे में इस धनिया को साफ करके रखें और फ्रिज में, तो ये पता है थोड़ा काफी टाइम तक चलता है। ऐसे ही हरी मिर्ची देखिए, ये हरी मिर्ची देखिए कितनी सही लग रही है ना। ये भी मैंने देखिए इनके ऊपर की डंडिया तोड़ के आप इन्हें ऐसे ही प्लास्टिक के डिब्बे में रख दीजिए स्टोर करके, और फिर फ्रिज में रख दीजिए। ये खराब नहीं होंगी ज्यादा और काफी लंबे समय तक चलेंगी। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी एक बार ऐसे करके देखिएगा। आई होप कि आपको भी कुछ रिजल्ट अच्छा ही मिले। थैंक यू।